फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल संतोष। मैं आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा पीसीडी या फार्मा फ्रेंचाइजी बिजनेस के बारे में। ठीक है, इसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज में बना चुका हूं, काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज हैं। उन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद उन वीडियोज को भी देख लीजिएगा, आपके बहुत सारे और कन्फ्यूजन हो जाएंगे। यहाँ पे मैं पीसीडी कंपनी लेके अगर आप काम करना चाहते हैं तो उसके पूरे स्टेप को मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो हो सकता है बड़ा हो जाए थोड़ा सा। एक एक स्टेप को मैं आपको समझाऊंगा, एक एक स्टेप को मैं बताऊंगा, और ये वीडियो देखने के बाद ना आपके मन के अंदर कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। राइट, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर पीसीडी मुझे कंपनी लेना होता है तो भाई मैं कौन सी कंपनी लूँ, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग कंपनी से होती है। राइट, तो इस पीसीडी कंपनी लेने का जैसे आपके मन के अंदर ख्याल आता है, थोड़ा रुकिए। सबसे पहले पीसीडी कंपनी का प्लान मत करिए फ्रेंड। सबसे पहले आप समझिए कि आप काम कौन सी स्पेशलिटी के अंदर काम करना चाहते हैं, पहला। और दूसरा, किस टाइप के प्रोडक्ट के साथ काम करना चाहते हैं, मतलब एलोपैथिक में काम करना चाहते हैं, फूड में काम करना चाहते हैं, या आप आयुर्वेदा में काम करना चाहते हैं। ठीक है, पहले ये डिसाइड कर लीजिए। डिसाइड हो गया भाई आयुर्वेदा या फूड या एलोपैथ के साथ, ये दोनों भी थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे। ठीक है, जब ये डिसाइड कर लिया तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है डिसाइड करने का, वो आ जाता है स्पेशलिटी। ऐसा खिचड़ी जैसा सब कुछ लेके मत चलो। पीसीडी में ज्यादातर लोग गड़बड़ी क्या करते हैं कि वो सब कुछ लेके, जहां जहां थोड़ा थोड़ा डिमांड आता है सब कुछ लेके चलने लग जाते हैं। इससे इन्वेंट्री में बहुत ज्यादा पैसा जाके फंस जाता है, स्टक हो जाता है, पैसा बहुत मार्केट फंसता है, बहुत परेशान होने लग जाते हैं इससे। ठीक है, तो इसके पहले आप डिसाइड कर लो कि यार मैं कौन सी स्पेशलिटी में काम करूंगा। गायने में काम करूंगा, पीडिया में काम करूंगा, कार्डियक में काम करूंगा, नेफ्रो में, हर एक टाइप की फ्रेंचाइजी अवेलेबल है। जिसमें भी आप काम करना चाहते हो, डेंटल काम करना चाहते हो, ENT में काम करना चाहते हो, हर टाइप के प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी में, आज के टाइम पे फ्रेंचाइजी जो भी अच्छी कंपनी, उनके पास 200, 300, 500, 1000 प्रोडक्ट्स होते हैं, वहां पे आप बहुत आसानी के साथ आप सिलेक्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट। लेकिन डाइवर्ट नहीं होना है। ज्यादा सेल के चक्कर में हम क्या होता है, डाइवर्ट होने लगते हैं। वो ज्यादा सेल होता नहीं, 2-4-5 डब्बों से ज्यादा सेल नहीं होता। अच्छा डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर कन्वर्ट करने से ज्यादा सेल होता है। तो सबसे पहले डिसाइड करिए कि आप कौन सी स्पेशलिटी के अंदर काम करेंगे। देन उसके बाद आप प्रोडक्ट डिसाइड कर लीजिए, 10-15-20 प्रोडक्ट कौन से लेके चलने वाले हैं। शुरू शुरू धीरे धीरे प्रोडक्ट बढ़ेंगे, उसका भी मैं तरीका बताऊंगा आपको, लेकिन पहला डिसाइड यही कर लीजिए। इसके बाद जब आपने डिसाइड कर लिया फार्मा फ्रेंचाइजी के लिए, अब दूसरे नंबर पे आता है भाई मैं कौन सी कंपनी लूँ। क्योंकि जैसे गूगल पे आप जाके डालेंगे बेस्ट फार्मा या पीसीडी कंपनी, तो बहुत सारा रिजल्ट निकल के आ जाता है। राइट, तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन आता है कि भाई मुझे एक ऐसी कंपनी जिसके प्रोडक्ट में रिस्पॉन्स भी अच्छा हो, जिसकी पैकेजिंग भी अच्छी हो, जिसकी सर्विस भी अच्छी हो, जो फ्रॉड ना करता हो, जो फार्मा फ्रेंचाइजी के रूल होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, उसके साथ काम करे। तो ऐसा जो है भाई आपको चाहिए कंपनी जिसके साथ ये सारी चीजें होती हूँ आराम से। तो मैं यहाँ पे फ्रेंड आपको 4-5 कंपनी में सजेस्ट करूंगा जिसके साथ आप काम कर सकते हैं, जो मेरा अपना नॉलेज है उसके बिहा पे मैं बताऊंगा। लेकिन इसका ये कंपनी सजेस्ट करने का मेरा बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि अच्छी कंपनी आप इन्हीं के साथ काम करो, वो आपकी चॉइस है। आप किसी के साथ भी काम कर सकते हो और भी गूगल करके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा क्राइटेरिया बता देता हूँ किसी भी अच्छी कंपनी का, जब पीसीडी के लिए आप फाइंड आउट करेंगे। तो पहले देखिए पीसीडी कंपनी कितने दिनों से काम कर रही है, उसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कैसा है, उसके और लोगों के साथ रिव्यू कैसे है, कंपनी से बातचीत करके बोले और कौन कौन से आप देते हैं, उसका थोड़ा फोन नंबर दीजिए, हम बात करेंगे, रिव्यू लेंगे, ऐसा भी चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, उसकी पैकेजिंग कैसे है, नहीं तो उसको एक बार कंपनी विजिट कर लीजिए, 2-4 सैंपल मंगा के देख लीजिए, टेस्ट वगैरह कैसे है उसका। तो ये बेसिक चीजें हैं जिसपे आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको चेक कर लीजिए, जिस भी कंपनी के साथ आपको मन लगे उसके साथ चले जाइए। हाँ, रेट भी चेक कर सकते हैं, रेट भी, लेकिन रेट के ऊपर मैं बोलूंगा ज्यादा मत प्ले करिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली अगर रेट कोई सस्ता दे रहा होगा, बहुत ज्यादा सस्ता दे रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा हो ना, वो कहीं ना कहीं क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज करेंगे। हो सकता है मेडिसिन की क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज ना करा हो, तो पैकेजिंग मटेरियल में कंप्रोमाइज कर लिया होगा, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर जब आप लेके जाएंगे तो अपीयरेंस का प्रॉब्लम आने लग जाएगा। तो इसलिए जो है फ्रेंड, इन सारे क्राइटेरिया को देखते हुए आप कोई सी भी पीसीडी कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पीसीडी कंपनी सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया। और गूगल पे आसानी से आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, गूगल करेंगे बेस्ट पीसीडी कंपनी तो आपको खुल के वहां पे आ जाती है। ठीक है, अब मेरा जो सजेशन है, मेरा सजेशन उन कंपनियों के लिए है जिन कंपनियों का मैंने प्रमोशन भी किया है अपने चैनल के ऊपर, और लगभग लगभग इन कंपनीज को मैं जानता हूँ, मेरे ओनर के साथ मेरे बात हुए हैं, इनके बहुत ही सेटिस्फाइड कस्टमर हैं उनका। अब यहाँ पे मैं 5-6 कंपनियों का जो नाम लेने जा रहा हूँ फ्रेंड, इसमें कोई भी ऊपर नीचे नहीं है। ऐसा नहीं जो मैं पहले नंबर बोल रहा हूँ तो उसका वो फर्स्ट नंबर पर है, फिर ये सेकंड नंबर पर है, तो मैं रैंडम नाम ले रहा हूँ। ठीक है, 1-2-3 कोई सोच के या लिख के मैंने कहीं पर नहीं रखा हुआ है, ये मैं अपने सोच के साथ बता रहा हूँ। इसमें से जिसको आपको सही लगे उसके साथ काम कर लेना आप। ठीक है, तो मेरे पास 5-6 कंपनी कौन सी है, पहले नंबर पे आ जाता है विजन प्लस। ठीक है, विजन प्लस ये औरंगाबाद बेस्ड कंपनी है,
इसके जो ओनर हैं वो दिलीप महाजन जी हैं, बहुत बढ़िया आदमी हैं। इनको इंडस्ट्री में काम करने का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, मैन्युफैक्चरिंग में भी इन्होंने काम किया, तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट रेंज इनके पास में है। प्रोडक्ट की वैरायटी भी काफ़ी बढ़िया है इनके पास, और टॉप क्वालिटी की पैकेजिंग भी है, टेस्ट वगैरह भी है, बढ़िया प्रोडक्ट कुल मिला के बेचती हैं। ठीक है, तो ये सभी लोगों का मैं कॉन्टैक्ट डिटेल भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, जिससे आपको ईजी हो जाएगा इनको समझना। ठीक है, मैं कंपनी का नाम यहाँ पर, अब सभी कंपनी को ओनर का नाम देखो मुझे नहीं मालूम है, बहुत से लोग सेव मतलब मेरे मोबाइल के अंदर सेव हुआ, हो सकता जुबान पर याद ना हो। अब दिलीप महाजन जी को मैं नाम मेरे लिए इसलिए याद है क्योंकि मैंने इनके साथ रूम भी शेयर किया है, मैंने इनके साथ फार्मा एक्सपो अटेंड किया हुआ है, काफी कुछ इनसे भी मुझे सीखने को मिला कि कुछ सर को काफी अच्छा नॉलेज है फार्मा का। ठीक है, तो इसलिए मुझे इनके बारे में काफी कुछ पता है। तो पहले हो गए दिलीप महाजन जी, जिनकी कंपनी है विजन प्लस, इनके साथ आप काम कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर फिर आपका आता है गेट्रॉन फार्मा करके एक कंपनी है, जिनके पास करीब 1000-1500 प्रोडक्ट के आसपास की वैरायटी होगी, उनके साथ आप काम कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया कंपनी है, इनके पास 3-4 डिवीज़न है, आप इनके साथ काम कर सकते हैं। पूरे इंडिया के अंदर बहुत बढ़िया रेपुटेशन है, इनके साथ भी आप चाहो तो काम कर सकते हो, प्रोडक्ट वगैरह मंगा कर देख सकते हो, सब कुछ बढ़िया है। फिर तीसरे नंबर पे आ जाता है कोहिबा फार्मा, अभी जल्दी में देखा होगा आपने, इनके लिए मैंने 2-3-4-5 वीडियो बनाया था, एक नंबर की पैकेजिंग जबरदस्त, और इनकी जो टीम है जो क्रिएटिविटी रखती है क्या गजब है भाई, जो भी टीम मेंबर इनका है मैं क्रिएटिविटी का कायल हूँ इस कंपनी का, कि यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट रिमाइंडर मिलेगा, जो आपका विजुअल एड मिलेगा, जो आपको पैकेजिंग मिलेगा, मतलब जबरदस्त है इनका चीज़, मतलब सबका ही अच्छा है, लेकिन जो इनका जो चीज़ डिज़ाइन करने वाला जो भी बंदा जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, बहुत बढ़िया डिज़ाइन किया हुआ था, जो भी मटेरियल आपको यहाँ से मिलता है ना तो उसकी डिज़ाइनिंग वगैरह काफ़ी बढ़िया होती है, जबरदस्त होती है। ठीक है, तो आप इनके साथ कोहिबा के साथ भी मिलकर आप काम कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे कंपनी जो आती है वो है जेनेटिका फार्मा, ये गुजरात बेस्ड, अगर गुजरात बेस्ड कंपनी आप काम करना चाहते हो, इनके पास भी बहुत बढ़िया वैरायटी है, बहुत अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट लेके ये काम करते हैं। इनका वीडियो भी मैंने बनाया हुआ था अभी बहुत दिन पहले, बहुत दिन के हमला हो गए होंगे, 5-7 महीने तो शायद हो ही होंगे। इन सभी लोगों का जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, डिटेल वीडियो इन लोगों को बनाया है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो सेपरेट करके भी आप देख लीजिए। तो जेनेटिका फार्मा है, इनके साथ आप जाके काम कर सकते हैं, बहुत बढ़िया आदमी है ये भी, काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, काफ़ी लंबा प्रोडक्ट लिस्ट इनके पास भी है, 1500-1700 प्रोडक्ट इनके पास, तो हर टाइप का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। ये सारी जो कंपनी में बता रहा हूँ सबके पास सब टाइप का प्रोडक्ट है, गायनी में काम करना है, पीडीएम काम करना है, आर्थो में, ईएनटी में, जिस भी सेगमेंट के अंदर काम करना चाहते हो आप इन कंपनीज के साथ जाके काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी कंपनीज हैं फ्रेंड जिसके साथ आप जाके काम करिए, 5-4-5 कंपनी जो मैंने बताया, एक दो कंपनी और मैं भूल रहा हूँ तो यहाँ लिस्ट में नाम लिख दूंगा, जो है अभी मेरे तुरंत मुझे तुरंत माइंड के अंदर आ रहा है मैं उसको बता दे रहा हूँ। तो आप यहाँ पे जाके इन लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं, मेरा रेफरेंस दे सकते हैं, मैंने इनको पर्टिकुलरली मतलब इन लोगों से मैंने बातचीत भी किया हुआ है, सब बढ़िया से आराम से काम करते हैं, सर्विस वगैरह बहुत अच्छा है, जो लोग इनके साथ काम कर रहे हैं वो काफ़ी हैप्पी हैं, काफ़ी खुश हैं, इनके साथ आप काम कर सकते हो, यहाँ से कंपनी लेके आप काम कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आपका अमाउंट, कितने अमाउंट के साथ आप ये फार्मा फ्रेंचाइजी स्टार्ट करेंगे, कितने अमाउंट के साथ स्टार्ट करना है। देखो मैं कम अमाउंट के साथ स्टार्ट करने में विश्वास रखता हूँ, मेरा मानना है आपको 20-25 हज़ार के आसपास स्टार्ट करना है, क्योंकि 20-25 हज़ार में काफ़ी अच्छा गुड्स मिल जाता है, और उसके साथ 25 हज़ार का अगर गुड्स लेते हैं किसी कंपनी से तो आपको वहाँ पे विजुअल एड, रिमाइंडर, छोटे मोटे इनपुट, ये सब भी ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये सफिशियंट अमाउंट है जिसमें आप कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें माल अच्छा खासा मिल जाता है, माल लेके आप आइए अपनी स्पेशलिटी के हिसाब से और उसके साथ काम शुरू करिए। लेकिन जैसे ही माल आपके पास में आ जाता है, ये सब जगह आपको पेमेंट एडवांस करना, फार्मा फ्रेंचाइजी जो पेमेंट होता है वो एडवांस पे जाता है, तो आप एडवांस पे पेमेंट कर देंगे, रेट वगैरह अपना बातचीत कर लीजिए, एडवांस पेमेंट करेंगे, आपको यह एक हफ्ते के अंदर आपके पास गुड्स मिल जाएगा। फार्मा फ्रेंचाइजी काम करने के लिए फ्रेंड आपके पास खुद का अपना ड्रग लाइसेंस होना चाहिए, या किसी आप और होलसेलर का ड्रग लाइसेंस पे भी काम कर सकते हैं, ड्रग लाइसेंस जीएसटी, ठीक है, इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो अगर आपको खुद का ड्रग लाइसेंस नहीं है, आप एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, या आप कोई मैनेजर हैं, या कोई अननोन पर्सन है जिसको काम करना है लेकिन उसके पास फंड कम है, वो फार्मा के अंदर काम करना चाहता है, तो पीसीडी बहुत बढ़िया तरीका हो सकता है काम करने का। तो आप किसी और का ड्रग लाइसेंस किसी भी होलसेलर से बात बोलेंगे कि भाई मुझे पीसीडी लेके काम करना है, मैं आपके लाइसेंस के साथ काम करना चाहता हूँ, वो आपको मना नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि उसको बैठे बिठाए पैसा 10-12% मिल रहा है, तो स्टॉकिश मार्जिन होता है 10%। तो जो भी आप माल लेंगे, जितना भी माल आपका बिकेगा, तो उस जितने भी सेल हो रहा है, जो सेल वाला रेट होगा, उस रेट के ऊपर आपको 10% जो है आपको अपने रिटेलर को, सॉरी होलसेलर को देना पड़ेगा। सेकंड, आपको जीएसटी कैलकुलेशन भी उसको
उसको देना पड़ेगा। मान लीजिए आपने 10 रुपए का सामान खरीदा, उसके ऊपर 1 रुपए जीएसटी लग रहा था, 11 रुपए, तो 11 रुपए पेमेंट आप करोगे, होलसेलर नहीं पेमेंट करेगा शुरू में, बाद में उसे कराएंगे तो चलेगा, लेकिन शुरू में आप पेमेंट करोगे। तो 10 रुपए का सामान था, 1 रुपए जीएसटी लग गया, लेकिन वो 10 रुपए वाला सामान मार्केट में जाके 100 रुपए का बिकता है, जिसके अंदर 90 रुपए का सामान हो गया, 10 रुपए जीएसटी लग रहा है। तो उस कंडीशन में जीएसटी कैलकुलेशन के लिए जब आप होलसेलर के पास जाएंगे मंथ एंड पे पैसा लेने के लिए, तो उस कंडीशन में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भाई 10 रुपए जीएसटी मार्केट से होलसेलर ने लिया है, और वो जो होलसेलर ने मार्केट से 10 रुपए जीएसटी लिया है 100 रुपए का सामान बेच के, वो 10 रुपए गवर्नमेंट को जमा करेगा। लेकिन जो 10 रुपए जमा गवर्नमेंट को करेगा, उसमें से 1 रुपए, क्योंकि आपने पेमेंट पार्टी को किया था जहां से माल लिया था, वो 1 रुपए का पेमेंट आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो आप होलसेलर को सिर्फ 9 रुपए ही जीएसटी जमा करना पड़ेगा, राइट। तो ये 1 रुपए जब बैलेंस आप उसे कैलकुलेट करवाएंगे, इसका ध्यान रखिएगा कि आपने कंपनी को पेमेंट किया है, ऐसा ना हो 10 रुपए कैलकुलेट करके आपके 10 रुपए जीएसटी लग जाए, तो गवर्नमेंट को जाना, ये भी पैसा आपको देना पड़ेगा, राइट। आगे से क्या होगा, वही पेमेंट करेगा तो जीएसटी कैलकुलेशन आपका इजी हो जाएगा, जब से वो पेमेंट करने लगेगा। तो चीजें करिए, उसी के थ्रू उसको कंपनी को पेमेंट कराइए, तो आपको जीएसटी वाला चक्कर नहीं रहेगा और उसका भी अकाउंट मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डील डिस्काउंट कैसे देना, ये सब स्टॉकिस्ट का कंप्यूटर होता है, उसके अंदर सब फीड होता है, बहुत आसानी के साथ ये पूरा कैलकुलेशन हो जाता है। जब सेकेंडरी स्टेटमेंट निकालते हैं और उसको जो मैन्युफैक्चर मार्केट सॉरी जो परचेज रेट है उसके साथ कंपेयर करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको पैसा पता चल जाता है कि भाई कितना पैसा आपको प्रॉफिट हुआ है रेट वगैरह डिस्काउंट वगैरह देने के बाद। अब बात आती है कितना मुझे रेट डिस्काउंट देना चाहिए पीसीडी बिजनेस के अंदर। फ्रेंड 10+4 10+3 का स्कीम लेके चलना चाहिए, ये जो आपसे बल्क में ऑर्डर परचेज करता है उसको आप थोड़ा और बढ़ा के दे सकते हैं, या आपके रिलेशनशिप के ऊपर जिसका जैसे पेमेंट है उसके हिसाब से आप इसको डिसाइड कर सकते हैं। इसका कोई भी फिक्स सिस्टम नहीं होता है, आप नेट रेट पे सेल कर सकते हैं, जैसे भी सेल हो जाए, लेकिन इतना डाउन करके रेट नहीं सेल करना है कि भाई अपने को घाटा लग जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम इसके अंदर बिजनेस को बड़ा कैसे करेंगे, सेल को जनरेट, क्योंकि बहुत सारे लोग पीसीडी ले काम करते हैं बट उनका सेल ही जनरेट नहीं होता, सेल कैसे जनरेट करेंगे। तो भाई सेल जनरेट करने के लिए आपको बेसिक जो मार्केटिंग का फंडा है, जो फंडामेंटल्स है, बेसिक्स है, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। कौन कौन सी बेसिक चीज़ें होती हैं, आपका डॉक्टर लिस्ट बना होना चाहिए 100 डॉक्टर का, 125 डॉक्टर का, 150 डॉक्टर का, ठीक है, डॉक्टर लिस्ट बना होना चाहिए। कौन कौन से एरिया में काम करोगे वो आपको बना होना चाहिए, आप कितने डॉक्टर को डेली विजिट कर रहे हैं वो आपका प्लान होना चाहिए। डेली जनरली हम 10 से 12 डॉक्टर को विजिट करते हैं, तो आपकी भी कोशिश यही होनी चाहिए 10 से 12 मिलो, या नहीं कि मैं खुद ही काम कर रहा हूं तो जगह 5 डॉक्टर को मिलके चले आए, 7 डॉक्टर को मिले, एक रूल एंड एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा फ्रेंड, तभी आप धंधे को जनरेट कर पाएंगे, तभी बिजनेस डेवलप होगा, ये समझिए। मतलब आप फ्रेंचाइजी ले लिए इसका मतलब नहीं कि आप मालिक हो गए, जैसा मर्जी वैसे काम करेंगे, ऐसे नहीं चल पाएगा। एक स्ट्रिक्ट कंपनी के अंदर जो सिस्टम होता है काम करने का, उस सिस्टम के हिसाब से काम करेंगे तभी बात बनने वाला है। तो डॉक्टर लिस्ट बनाइए, एसएफसी बनाइए, डेली अपना काम करने का टाइम सेट करिए, कितने कॉल आप डेली करेंगे उसको फिक्स करिए, एंड डेली कम से कम 5 से 7 डॉक्टर को रिमाइंडर लगाइए, और कुछ डॉक्टर से स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप करिए जो आपको महीने का 50,000 से लेकर 1,00,000 का धंधा आपको दे सके, ठीक है। ऐसे डॉक्टर के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक्टिविटी कर सकते हैं, उनसे रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए कैजुअल कॉल्स कर सकते हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जिसके थ्रू मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा, इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है हाउ टू डेवलप रिलेशनशिप विद द डॉक्टर, तो उसको आप जाके देख सकते हैं। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू हम डॉक्टर के साथ रिलेशन डेवलप करते हैं। इसके अंदर कैजुअल कॉल एंड रिमाइंडर कार्ड, ये दो चीजें हैं ना, जबरदस्त तरीके से वर्क करती हैं। अब अट्रैक्टिव रिमाइंडर कार्ड कैसे बनाया जाता है, इसका भी एक अलग वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वहां से जाइए उसको देख लीजिए। अट्रैक्टिव रिमाइंडर कार्ड कैसे डिजाइन करते हैं, जो डॉक्टर के बैठने से पहले चैंबर में सुबह सुबह जाके रख दीजिए, इससे बहुत फर्क पड़ता है। प्लस कैजुअल कॉल करिए, रिलेशनशिप को डेवलप करिए, और उसके बाद जो है आप बिजनेस को ड्राइव करिए। एक सक्सेसफुल बिजनेस ड्राइव करने के लिए फ्रेंड, चाहे आप फार्मा कंपनी खुद का ओपन किए हो या फ्रेंचाइजी लिए हो, आपको 2-4-5 कस्टमर ऐसे चाहिए जो आपको महीने का कम से कम नहीं तो पर कस्टमर 20,000 to 50,000 का बिजनेस आए। और ये जो मैंने पहले दो चीजें बताएं, रिमाइंडर कार्ड, एक्टिविटी, इसके बिना नहीं होने वाला है आज के टाइम के अंदर। तो भाई इन चीजों को आपको करना कंपलसरी है। इसके बाद आता है फ्रेंड, अपने बिजनेस को आप एक्सपेंड कैसे करेंगे, इन्वेंट्री कैसे मैनेज करेंगे। अगर खुद अपने पास में आपने मंगाया है तो आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे कि मार्ग आ जाता है, ई वाइटल आ जाता है, एंड व्यापार ऐप भी आता है जिसके थ्रू हम मैनेज कर सकते हैं। और किसी होलसेलर के साथ काम कर रहे हैं तो कोशिश ये करिए कि आप नए नए बहुत सारे ब्रांड को दूसरी स्पेशलिटी वाले मत ऐड करिए। अगर आपको नया ब्रांड ऐड करना है, मतलब 20 ब्रांड के साथ आपने स्टार्ट किया, अब आपको 2-4-5 ब्रांड और ऐड करने की जरूरत हो रही है, तो जिस पर्टिकुलर स्पेशलिटी के अंदर आप काम कर रहे हैं उस पर्टिकुलर स्पेशलिटी के ब्रांड को और ऐड करिए। इससे क्या होगा, उस स्पेशलिटी के अंदर आपकी अथॉरिटी डेवलप होगी, और उस स्पेशलिटी के जो बड़े डॉक्टर्स हैं उनसे आप प्रिस्क्रिप्शन निकलवा पाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाता है कि सर बड़े डॉक्टर जो होते हैं वो पीसीडी कंपनी का
को लिखते नहीं है, बाहर से कॉल लेने को ही मना कर देते हैं, कॉल नहीं लेते हैं, डिटेलिंग नहीं सुनते हैं, इसको कैसे टैकल करेंगे? वो तो बाहर से भगा दे रहे हैं। तो भाई इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यहाँ मोटा मोटा मैं बता देता हूँ। देखो किसी कंपनी के ऊपर आप कॉल करने जा रहे हैं, यहाँ फ्रेंचाइजी तो नहीं लिखा हुआ है, यहाँ PCD तो नहीं लिखा हुआ है, यहाँ छोटी कंपनी तो नहीं लिखा है माथे के ऊपर जो डॉक्टर देख के जान जाएगा। डॉक्टर ये सारी चीज़ें देखता है आपके ड्रेसिंग सेंस से, आपके वे ऑफ कम्युनिकेशन से, आपके वे ऑफ प्रेजेंटेशन से, राइट। अगर आपको एक बड़े डॉक्टर को कन्वर्ट करना है ना, ये तीन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आप एक प्रॉपर आई कार्ड टाइप का बना लीजिए, ठीक है। ऐसा लगना चाहिए देखने से यार किसी अच्छे कंपनी का मेडिकल रैप आया हुआ है। ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव कर लिए, लाइट कलर का थोड़ा अच्छा शर्ट ले लीजिए, पैंट बढ़िया से ले लीजिए, डार्क कलर का शू होना चाहिए, हमारे पास शूज होना चाहिए, और जो सॉक्स होना चाहिए उस कलर का होना चाहिए जिस कलर का आप पैंट पहनते हैं, और एक वॉच होना चाहिए, बेल्ट प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर ग्रूमिंग किया हुआ होना चाहिए, मतलब एक जो अपीयरेंस होना चाहिए फ्रेंड वो जबरदस्त होना चाहिए, उससे बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। इसके बाद आप जब डिटेलिंग करने जा रहे हैं उसको आप विजुलेट की जगह ई डिटेलिंग का यूज करिए, टैब ले लीजिए, तो उससे भी इंपैक्ट पड़ता है। तो टैब ले लीजिए, उसके अंदर ई डिटेलिंग कर लीजिए। आप ई डिटेलिंग या टैब कैसे लेंगे? टैब आप मार्केट से 10-12 हज़ार रुपए में ले लेंगे, और उसके अंदर जो ई डिटेलिंग वाला काम है वो मेरी एजेंसी आपके लिए कर देगी। 1000 रुपीज हम 20 पेजेस का लेते हैं, आप हमसे डिजाइन करा सकते हैं, 20 पेजेस से ऊपर होगा भाई उसी के मल्टीपल में कॉस्ट आपका लग जाएगा। आपको ई डिटेलिंग हम बना के दे देंगे जिसमें किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसमें किसी इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके ऐप के अंदर बिंदास चलेगा, आप 1 से 2 लोग 3 लोग भी हो जाते हैं वही फाइल आपको काम आएगा, ठीक है। अगर आप हमें पेमेंट करते हैं, हमारी टीम से बातचीत करते हैं, आपको एक दिन के अंदर ही हम ई डिटेलिंग बना के दे देते हैं। अब ई डिटेलिंग के थ्रू जब आप प्रेजेंट करेंगे, वे आप कम्युनिकेशन को इंप्रूव कर लेंगे, ड्रेसिंग सेंस अच्छा होगा, अब धंधा पक्की बात है बड़ा डॉक्टर से भी आएगा। प्लस जो आपके ब्रांड की USP है, जो आपके ब्रांड का डिटेल है, नॉलेज है, डिजीज के बारे में इंफॉर्मेशन है, ये चीजें आपको नॉलेज गेन करनी पड़ेंगी, अपनी डिटेलिंग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा, ताकि जब डॉक्टर चैंबर के अंदर बात करो ना तो ऐसा ना लगे यार इधर उधर से कोई बंदा आ गया, ऐसा आके बंदा बात कर रहा है जिसको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है, जिसको डिजीज के बारे में पता है, राइट। तब जो है सेल आती है, तब बड़ा डॉक्टर छोटा डॉक्टर हर डॉक्टर लिखता है, क्योंकि कंपनी भी देखो कहीं देखने से पता नहीं चलता ये बड़ा छोटा कंपनी है, ये हमारा वे ऑफ प्रेजेंटेशन डिटेलिंग इन्हीं सब चीजों से पता चलती है, राइट फ्रेंड। तो आप इस तरीके से फ्रेंड बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। अब जिन प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती रहे कंपनी से आप मंगाते रहो, धंधा निकालते रहो, जनरेट करते रहो। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन ये भी आ सकता है प्रॉफिट नहीं बताया सर कितना होता है PCD के अंदर। देखो प्रॉफिटेबिलिटी फ्रेंड डिपेंड करता है कि मार्केट के अंदर कितना कम स्कीम आप देते हैं, जितना ज्यादा स्कीम देंगे उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट डिजॉल्व होता जाएगा। फिर भी PCD के अंदर 40-50% प्रॉफिट आसानी से निकल जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, राइट। तो आपको ऊपर डिपेंड करता है कितना डाउन में जाके काम करते हैं। अगर अच्छे कम्युनिकेशन, अच्छे कवरेज, अच्छा रिमाइंडर कार्ड, मेहनत से काम करेंगे तो आपको ज़्यादा रेट नहीं देने पड़ेंगे, आपका धंधा अच्छे से आ जाएगा। चाहे केमिस्ट हो या डॉक्टर, फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है। जब फॉलोअप होता है तो धंधा आता है। प्लस इनोवेटिव नए ब्रांड और उनकी डिटेलिंग अच्छे से करना आपको आना चाहिए, बस बात बन जाएगी। वीडियो अच्छा लगा, कोई और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी और नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करके बताओ। अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कौन सी प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं फार्मा मार्केटिंग के अंदर मुझे बताइए, मैं उस पर वीडियो लेके आऊँगा, आपकी हेल्प करूँगा। या मेरे साथ आप पर्सनल 1-to-1 बातचीत करना चाहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट है sandeepkumarsoni.com, यहाँ पर जाइए, मेरे साथ 1 आवर का जूम कंसल्टेशन कॉल बुक करके मुझसे वर्चुअली बात कर सकते हैं। नहीं समझ में आता बिल्कुल डिटेल में A to Z स्क्रैच नॉलेज चाहिए, कंपनी लॉन्च करनी है, PCD स्टार्ट करना है, मेरे साथ फिजिकल मीटिंग बुक करके मेरे ऑफिस में आके आप उससे मिलके सारी चीजों को डिजाइन करके बातचीत करके जा सकते हैं, सारी चीजें डिजाइन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। मेरी टीम यहां बैठी होती है जो आपके विजुलेट को तुरंत डिजाइन कर देगी, आपकी ई डिटेलिंग है उसको कन्वर्ट कर देगी। हम लोग पूरी तरीके से रेडी हैं आपकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। आपको जिस टाइप की हेल्प की जरूरत हो, यस प्लीज कॉन्टैक्ट मी, राइट। माई टीम, मैं अपने टीम का नंबर यहाँ पे दे दे रहा हूँ, आप उनको कॉन्टैक्ट कर लीजिए। चलो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, बाय।